पिछले हफ्ते मैंने दो लोगों की बात सुनी और कोई किसी को फोन पर शांति का उपाय बता रहा था, और शांति का उपाय यह था कि जिसको शांति चाहिए उसे एक समय पर जाकर किसी स्थान में जाकर कुछ रखना है और उसके बाद उसको शांति मिल सकती है। मेरे मन में ऐसा आया कि इंसान शांति के लिए क्या कुछ नहीं करता। शांति की कामना हर कोई चाहता है, क्योंकि हर किसी के मन में अशांति है। लोग शांति के लिए बहुत जगह दर दर जाते हैं, पूछते हैं, ढूंढते हैं, पढ़ते हैं, ये उपाय वो उपाय। इंसान शांति के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन मैं आपको एक हकीकत बताना चाहता हूं, और ये हकीकत पवित्र शास्त्र बाइबल से हमको पता चलती है कि इंसान शांति की कामना इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर अशांति है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे अंदर अशांति क्यों है। हमारे अंदर अशांति इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर पाप है। जो पाप है वो श्रापों को लेके आता है। श्राप हमारे जीवन में अशांति लेके आते हैं, और उस शांति में कोई रहना पसंद नहीं करता, इसलिए हर कोई उस अशांति से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन अगर हम सही चीज की कामना, अगर हम सही चीज की खोज किसी गलत स्थान पे करेंगे तो हमें वो शांति नहीं मिलेगी। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताता है कि मनुष्य जो है वो पापी है, और हमारे पाप की वजह से हम जीवित परमेश्वर से दूर हैं, क्योंकि वो बहुत पवित्र है और हम पापी हैं। हमारे पाप ने हमें जीवित परमेश्वर से दूर किया हुआ है, और इसलिए हमारे जीवन में खालीपन है, अशांति है, जिसको हम अलग अलग चीज़ों से भरना चाहते हैं, और शांति की खोज गलत स्थान पे कर रहे हैं। सही चीज़ की खोज कर रहे हैं लेकिन गलत स्थान पे हम ढूंढ रहे हैं, जो कि हमें कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती। पवित्र बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं। पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह के वचन भी दर्ज हैं, जिसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, ऐसी शांति नहीं जैसी दुनिया देती है, लेकिन मैं तुम्हें स्वर्ग की शांति, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हमारी समस्या पाप है। हमारे पाप की वजह से हम प्रभु से दूर हैं। हमारा पाप हमारे जीवन में श्राप लेके आता है, श्राप हमारे जीवन में अशांति लेके आते हैं। लेकिन मैं आपको खुशखबरी बताना चाहता हूं कि 2019 साल पहले परमेश्वर स्वयं मनुष्य बना, और परमेश्वर मनुष्य बनकर एक आम आपकी और मेरी तरह, एक आम आदमी की तरह वो इस धरती पर रहे, और उन्होंने सही समय आने पर पवित्र शास्त्र के अनुसार 33 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ के अपनी जान दी और हमारी अशांति को अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, तब हमारे लिए शांति का मार्ग खुल गया, क्योंकि हमारे श्रापों को, हमारे पापों को, हमारी सजा को, हमारे कलंक को कोई अपने ऊपर उठा चुका था। जी हाँ, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के और पूरे संसार के पापों के लिए क्रूस पे उन्होंने चढ़ के अपनी जान दी, और तीसरे दिन, अपने मरने के तीसरे दिन मुर्दों में से दोबारा जीवित भी हुए, और आज वो जीवित परमेश्वर है, और आज वो हमें शांति देना चाहते हैं, शांति दे सकते हैं, क्योंकि अपनी जान दे करके प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए शांति को, हम कह सकते हैं, खरीद लिया है। और आज शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह हैं, जो हमारे विश्वास करने पर, पश्चाताप करने पर वो हमें वो शांति दे देते हैं। और ये शांति ऐसी है जो दुनिया दे नहीं सकती, ये शांति ऐसी है जो शांति अनंत है, ये शांति ऐसी है जो स्वर्ग की शांति है। इस धरती पर जीते जी आप स्वर्ग की शांति महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद हो उस प्रभु यीशु मसीह का जिसने ये शांति हमें उपलब्ध करवाई है। जी हाँ, क्रिसमस के इस अवसर पे मैं आप सबको शांति का असली उपाय बताना चाहता हूँ, और शांति का उपाय कोई चीज नहीं, कोई काम नहीं, लेकिन एक व्यक्ति है, एक पुरुष है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो कि हूबहू परमेश्वर है। यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, शांति हासिल कीजिए और अनंत जीवन प्राप्त कीजिए। इस क्रिसमस के अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, और मैं कामना करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवारों पर बना रहे, और आप शांति का जीवन जी पाए। मेरी क्रिसमस, बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो।